अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 3 पॉइंट हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन हमारे हो गए थे 40 तक हो गए थे। क्वेश्चन 15 आज करेंगे, 16 तक हो गए थे, 17 आज करेंगे। अ पॉइंट मूव इन स्ट्रेट लाइन सो दैट इस डिस्टेंस एस डिस्टेंस हमारे पास उन्होंने गिवन है वो क्या है, ये वाला है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है बेटा, फार्मूला आपने देख लेनी है। यहाँ से थोड़ी सी एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द इंटरवल ये इस इंटरवल पे टी इंटू टी प्लस डेल्टा टी पे हमारी क्या होती है, डेल्टा से ओवर डेल्टा एवरेज वेलोसिटी हमारी होती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 17। तो अ पॉइंट एफ हमारे हमें गिवन एक्स एस क्या गिवन है, 4t² - 16t + 12। फाइंड हमने फर्स्ट क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल 1 and 1 + δt। ठीक है, हमें पीछे गिवन था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है किस पॉइंट पे, टी टू टी प्लस डेल्टा टी पे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास फंक्शन क्या है एस इन टू, तो टी हमारे पास 1 है, टी प्लस डेल्टा टी क्या हो जाएगी 1 + δt माइनस एस इन टू टी क्या है 1। ठीक है, ओवर 1 + δt माइनस टी 1। ठीक है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो निकाल लेते हैं यहाँ से हम एस, मतलब कि एस इंटू 1 + δt का क्या मतलब है, जो हमारे पास एस की वैल्यू है उसको टी की जगह हम टी को हम 1 + δt से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इस यही पहले भी हम ऐसे ही करते थे ना, तो इसमें हम एस में जो है टी की जगह 1 + δt को रिप्लेस करेंगे। 4 × t + 1 + δt² - 16 × 1 + δt - s × 1 + 12 ठीक है, अब s इंटू 1 का मतलब क्या है, 1 टी की जगह हम 1 लिखेंगे, 4 × 1² - 16 × 1 + 12 ओवर 1 1 से कैंसिल, ओवर हमारे पास क्या आ गया है डेल्टा टी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये ओपन कर लेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, a² + b² + 2ab। ठीक है, -16 डेल्टा टी प्लस का 12 -4 -16 - 12 ओवर डेल्टा टी। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 4 + 4δt² + 8δt, ये -16 ये +16 ये +12 ये -12 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, -16δt ओवर डेल्टा टी। तो ये 4 + 4δt² ये सॉरी ये फोर ये -4 भी तो हमारे साथ, ये साथ में -4 भी, ये -4 + 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया है 4δt² और -16 + 8 तो -8δt ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हम कॉमन ले लेंगे, जब डेल्टा टी कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 4δt हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, जब 4δt कॉमन लेंगे यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी -2 ओवर डेल्टा टी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4δt -4 × 2 = 8। तो ये हमारे पास ये क्या आ गया है, इसका आंसर फर्स्ट का। ठीक है, जो हमने क्या करना था, अब ये 4 ना भी कॉमन ले वैसे भी कर ले तो हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या था, द वेलोसिटी एट टी हमने क्या फाइंड करनी है, द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1, ये क्या थी एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, डेरिवेटिव ऑफ जो भी हमें फंक्शन होगा उसका, जब डेरिवेटिव हम लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाती है, उसके वेलोसिटी के। तो कहाँ पे हमने फाइंड करनी, कहाँ पे करनी, टी इक्वल टू
वन पे हमने फाइंड करनी है। ये इक्वल आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच ज़ीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी क्या हमारी वैल्यू आई थी 4 डेल्टा टी माइनस 8। तो लिमिट पुट करते हैं ये 0 माइनस 8 तो ये क्या हमारा आ जाएगा माइनस का। ये बेटा पीछे लिखा हुआ है कि जो वेलोसिटी होती है वो इसके इक्वल होती है, ठीक है। ये फार्मूला आपके पास। तो क्वेश्चन 18 रह गया। क्वेश्चन 18 में हम करते हैं। क्वेश्चन 18 कहता है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट टाइम टी सेकंड इज एस क्या है हमारे पास टी क्यूब माइनस 6 टी स्क्वायर प्लस 9 टी। फाइंड अ बॉडी एक्सेलरेशन ईच टाइम इट्स वेलोसिटी इज 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, जब हम इसका डबल एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तुम्हारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, फिर वेलोसिटी का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तुम्हारे पास क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो पहले हम डी एस ओवर डी टी निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 3 टी स्क्वेयर माइनस 6 into 2 टी प्लस 9। तो ये क्या आ गया है डी एस, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। वेलोसिटी इक्वल टू 3 टी स्क्वेयर माइनस 12 टी प्लस का 9। अब फिर से इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी वी ओवर डी टी क्या आ जाएगा डी वी ओवर डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ किसका डेरिवेटिव हमने लेना है 3 टी स्क्वेयर माइनस 12 टी प्लस 9। 3 टी स्क्वेयर माइनस 12 टी प्लस का 9 तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 टी माइनस 12। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो डी वी ओवर डी टी क्या हो जाती है हमारे पास क्या आ जाती है एक्सेलरेशन आ जाती है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, उन्होंने कहा है कि जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। तो कब, जब व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0 इफ, कब इसकी वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी। वेलोसिटी के क्या हमारे पास आया था, ये आया था वेलोसिटी जब वेलोसिटी हमने 0 रखे तो 3 टी स्क्वेयर माइनस 12 टी प्लस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। वेलोसिटी कहाँ पे, वेलोसिटी का ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकली, ठीक है। वेलोसिटी क्या थी, ये थी, इसको इक्वल हमने 0 के पुट, यहाँ से आपने टी की वैल्यू निकाल लेनी है। पेयर्स बना लें, ये आ जाएगा 3 टी स्क्वेयर माइनस 9 टी माइनस 3 टी माइनस का 12 प्लस का 9 इक्वल टू 0, यही पेयर हमारे बनेंगे। ये प्लस करेंगे 27 9, हाँ यही पेयर हमारे बनेंगे। तो 3 टी कॉमन ले लेंगे, 3 टी जब कॉमन लेंगे हम तो ये टी माइनस 3 माइनस 3 कॉमन टी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3 टी माइनस 3 एक हमारे पास आ गया और टी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 जब कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 टी माइनस 1 एंड टी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, टी की वैल्यू आएगी 1 और 3, ठीक है। टी माइनस 1 को भी इक्वल 0 के पुट करना आपने और टी माइनस 3 को भी इक्वल 0 के पुट करना, तो वहाँ से टी की वैल्यू 1 और 3 आ जाएगी। तब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन हमने कहाँ पे निकालना है, 1 पे भी निकालना और टाइम 3 पे भी निकालना है, ठीक है। तो पहले व्हेन टी इक्वल टू 1 एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज तो एक्सेलरेशन हमारी क्या हो जाएगी डी वी ओवर डी टी को हम कहाँ पे हमने निकालना है, टी इक्वल टू 1 पे, टी इक्वल टू 1 पे। तो टी 1 पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 into 1, यहाँ पे आप एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं डी वी ओवर डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। 6 into 1 माइनस 12 तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब सेकंड हमने क्या निकालना, टी इक्वल टू 3 एक्सेलरेशन इज, तो 3 पे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू 3 पे क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पे टी की जगह 3 पुट कर देना, 6 into 3 माइनस 12 18 माइनस 12
ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यही हमने अप्रूव करा है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे हम क्वेश्चन ये फिलहाल नहीं करेंगे, पहले हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में।